अपनी बुक का सेकंड लेसन मेडल की चमक पढ़ेंगे। मेडल की चमक लेसन में एक साक्षी मलिक नाम की लड़की है जो कि रेसलिंग में आगे जाती है। इसके पिता का नाम सुखबीर मलिक जो कि दिल्ली के परिवहन निगम मीन्स जो बस चलाती होती हैं वो वाला डिपार्टमेंट, उसमें कंडक्टर थे और रोहतक में रहते थे। इसकी माता आंगनबाड़ी चलाती थी और इस लड़की ने 12 वर्ष की आयु में छोटू राम स्टेडियम के कोच से प्रशिक्षण लिया था, कुश्ती का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, जैसे हम कहते हैं कि वो ट्रेनिंग कोच से लिया है तो हिंदी में उसको प्रशिक्षण बोलते हैं। उसके बाद उसने 2010 में, 2014 में और 2015 में ऐसे ही 3 बार चैंपियनशिप जीती और आज उसका नाम पूरी दुनिया में आ गया है। ये लड़की जब इसने ये काम शुरू किया तो बहुत से पेरेंट्स, बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध किया कि लड़की ये जो है कोच के पास जा रही है, अच्छा नहीं है, तो लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए। लेकिन इसके परिवार वाले इसके साथ थे, लड़की को अपनी को आगे देखना चाहिए। और इसके पिताजी जो हैं वो इसके बारे में ये कहते हैं कि जब हमारी लड़की इस लाइन में आगे बढ़ने लगी और हमारी लड़की की वजह से हमारा भी मान सम्मान सभी जगह पे होने लगा तो हमें अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। इसी प्रकार हमारे राज्य में, हरियाणा में और भी ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अब अपनी सोच को काफ़ी बदल चुकी हैं। उनके मन में ये बात आई हुई है कि लड़कियां किसी भी बात में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इस प्रकार लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हर क्षेत्र में आगे जाना तो जरूरी है, लेकिन हमें कभी भी लड़कियों का हौसला नहीं गिराना चाहिए, बल्कि अगर वो कोई काम कर रही है तो उसके साथ उसका हौसला बढ़ाकर उसके साथ चलना चाहिए। इस लेसन से हमें यही पता चलता है कि हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए लगन और मेहनत की आवश्यकता है, जो कि साक्षी मलिक में देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, इस लेसन को आपने ध्यान से सुना। अब इसके शब्दार्थ मैं आपको वर्कशीट में भेज रही हूँ, आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं और इसकी बैक ग्रामर अपनी बुक पर कंप्लीट करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।